Hello and good morning, children. Today I will teach and explain some hard words and remember points. Chapter number 4, Chotu's house. Last video में हमने students chapter के explanations के बारे में देखा था. आज हम hard words and remember points के बारे में discuss करेंगे. So let us start. हार्ड वर्ड्स आपको आपकी सी डब्ल्यू नोट्स में चैप्टर नंबर 4 छोटूस हाउस की हेडिंग डालनी है एंड हार्ड वर्ड्स की हेडिंग डालनी है. फिर जैसे मैंने इसमें राइट डाउन किया है सेम वैसे ही आपको आपकी नोट्स में कॉपी राइट करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट नंबर हार्ड वर्ड्स, इट इज मार्चिंग. इट इज कॉल्ड मार्चिंग. मर्चिंग मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है? मर्चिंग मीन्स आवागमन. आवागमन मीन्स यातायात. ठीक है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ठीक है, जो व्हीकल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं इट इज कॉल्ड मर्चिंग. सेकेंड इज पीसफुल. पीसफुल मीन्स शांति पूर्व. ठीक है, थर्ड मॉस्किटोस. मॉस्किटोज के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो फ्लाई इंसेक्ट्स होते हैं. ठीक है, जो फ्लाई करते हैं हमारे घरों में मॉस्किटोज, इट इज मच्छर. ओके, फोर कॉटरियार्ड्स. कॉटरियार्ड्स में स्टूडेंट्स हमारे घरों के अंदर लॉबी होती है. लॉबी मीन्स चौक होता है. ठीक है, तो चौक होता है, फिर बाउंड्री होती है, इट इज कॉल्ड कॉटरियार्ड्स. ठीक है, इसका हिंदी होता है चौक या तो आंगन. एंड इंग्लिश इज लॉबी एंड बाउंड्री. फिफ्थ इज पिकिंग. पिकिंग मीन्स चोंच मारना. ठीक है, तो ये क्या है? जैसे बर्ड्स होती है, बर्ड्स की बीक होती है, उनकी चोंच होती है, उसी तरह पिकिंग होता है. ठीक है, जो बर्ड्स होती है वो अपने बीक से पिकिंग करती है. सिक्स क्वेरल. क्वेरल मीन्स लड़ाई करना, फाइट करना. ठीक है, लड़ाई या झगड़ा करना. इट इज द सेकेंड मीनिंग ऑफ सिमिलर मीनिंग्स ऑफ फाइटिंग. सेवन एक्सेलेंस. एक्सेलेंस मीन्स बेस्ट. हिंदी में इसका मीनिंग्स है श्रेष्ठ. एट गार्बेज. गार्बेज मीन्स रबीज. रबिस मीन्स कचरा. नाइन क्राउल्स. क्राउल्स मीन्स रेंगना. ठीक है, जो इंसेक्ट्स और जो एनिमल्स अपने स्टमक के थ्रू रेंगते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड. लिजार्ड क्या करते हैं? क्राउल्स करके चलते हैं. ओके, टेन इन्वाइटेड. INVITED. Invited. Invited means बुलाना. ओके, तो आपको किसी की मैरिज होती है तो इनविटेशन कार्ड्स दिया जाता है ना स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है? आपको इनवाइट किया जाता है. ओके, कोई पार्टी हो, मैरिज हो, कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? सामने वाली जो पार्टी होती है आपको क्या करती है? इनवाइट करती है, मीन्स बुलाती है. ओके, सो Here are 10 hard words. Write down in your CW notebooks. Next is our remember points. Remember points में first है house. What is house? Let us see. A house is constructed with bricks, sand, stones, cement, water, etc. जो हाउस होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स? जो हमारे हाउस होते हैं जिसमें हम रहते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? ब्रिक्स से. ब्रिक्स मीन्स कब चीज से बनाए जाते हैं? ईट से. ब्रिक्स मीन्स ईटों से बनाए जाते हैं. सैंड मीन्स रेती से बनाए जाते हैं. स्टोन्स मीन्स पत्थर से बनाए जाते हैं. सीमेंट मीन्स कब चीज से बनाए जाते हैं. वाटर मीन्स पानी से. तो जो हाउस को हम ईट, सीमेंट, पत्थर और वाटर, सैंड, स्टोन से बनाते हैं, इट इज कॉल्ड हाउस.
सेकेंड, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, वाटर, एनिमल्स एंड थीव्स एक्सेट्रा. थीव्स मीन्स चोर. ठीक है, तो हाउस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? हीट मीन्स सन की जो हीट होती है, सूर्य की जो किरणें होती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं. कोल्ड मीन्स विंटर्स, ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं. वाटर मीन्स रेनी सीजन होता है. और अदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और जो थीव्स होते हैं, चोर होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं. नेक्स्ट इज होम. व्हाट इज होम? हाउस के बारे में और होम्स के बारे में क्या डिफरेंसेस है? लेट अस सी हियर. होम, अब होम किसे कहते हैं? अ हाउस बिकेम्स अ होम व्हेन ऑल द फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर, लव ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर. ऐसा हाउस जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं एक साथ. टुगेदर मीन्स साथ में, लिव मीन्स रहना. तो ऐसा हाउस जिसके अंदर सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, ऑल फैमिली मेंबर्स रहते हैं साथ में और एक दूसरे से ईच अदर लव करते हैं, मीन्स प्यार करते हैं, एंड हेल्प करते हैं ईच अदर और एक दूसरे को मदद करते हैं. इट इज कॉल्ड अवर होम. तो स्टूडेंट्स, हाउस और होम में डिफरेंसेस पता चल गया. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाउस. व्हाट इज टाइप्स ऑफ हाउस? बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाउस होते हैं. फर्स्ट इज हट, HUT हट. ये जो हट होता है वो विलेजों में ज़्यादा देखा जाता है, वो झोपड़ी टाइप्स होता है. ओके, हाउस बोट, जो हाउस बोट होता है वो रिवर में, ठीक है, वो रिवर के अंदर जो हाउस बनाया जाता है उसे हाउस बोट कहते हैं. थर्ड इज इग्लू. जो इग्लू होता है स्टूडेंट्स वो स्नो का बना होता है, बर्फ से जो हाउस बनते हैं उसे इग्लू कहते हैं. टेंट, टेंट मीन्स टेंट हाउस. जो टेंट हाउस होते हैं उन्हें क्या करते हैं, इमरजेंसी में इस तरीके से टेंट बना दिए जाते हैं, दो लकड़ियों रख के और उसके ऊपर क्लोथ मीन्स उसको कवर कर दिया जाता है क्लोथ से. फोर्थ इज मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग होती है जो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है एक के ऊपर एक हाउस बना दिए जाते हैं, जैसे कि फ्लैट होते हैं, है ना, इंडस्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, वो बड़ी बिल्डिंग्स टाइप्स के होते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. टू टाइप्स ऑफ हाउस. यहाँ पे मेन पॉइंट है हमारा, दो तरीके के टाइप्स के हाउस होते हैं, दो तरीके के हाउस होते हैं. फर्स्ट इज कच्चा हाउस एंड सेकेंड इज पक्का हाउस. ओके, तो टू टाइप्स के मेन टाइप्स जो होते हैं वो हाउस के, फर्स्ट इज कच्चा हाउस एंड सेकेंड इज पक्का हाउस. व्हाट इज कच्चा हाउस? कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ स्ट्रो, लीव्स, स्टिक, मड एंड ग्रास. जो कच्चा हाउस होता है वो विलेजों में बनाया जाता है और वो किससे बना होता है? स्ट्रो से, लीव से, पत्तियों से. स्टिक मीन्स लकड़ियाँ जो होती है उससे. मड मीन्स जो काऊ का मड होता है, गोबर होती है, मिट्टियाँ होती है और ग्रास होती है, उससे बनता है हमारा कच्चा हाउस. इट इज वीक. ये क्या होते हैं? बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है. जो कच्चा हाउस होता है वो गाँव में देखने को मिलता है और वो बहुत ही कमजोर होते हैं. इट इज ओनली वन स्टोरी. ये क्या होता है? इस टाइप के जो हाउस होते हैं वो मिट्टियों से बने होते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर हम दूसरा हाउस नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम दूसरा हाउस बनाने जाएंगे कि तो ये मिट्टियों से बने होते हैं, दूसरे हाउस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है. ये वीक होते हैं क्योंकि ये मिट्टियों से बने होते हैं, लीव्स, पत्ते और स्टिक्स और ग्रास से बने होते हैं. सेकेंड इज पक्का हाउस. पक्का हाउस किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड स्टोन्स. जो पक्का हाउस होता है, जैसे कि हम जिस हाउस में रहते हैं सिटी में, वो ब्रिक, सीमेंट, सैंड और स्टोन से बना होता है. ओके, ये कैसे होते हैं? इट इज स्ट्रॉन्गर, ये मजबूत होते हैं देन कच्चा हाउस. ये कच्चे हाउस से स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं. इट कैन बी मल्टी स्टोरेड. इससे हम मल्टी स्टोरेड पक्का हाउस को मल्टी स्टोरेड भी कहते हैं और इससे हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी बना सकते हैं. जैसे एक हाउस बना है उसके ऊपर दूसरा हाउस, फिर तीसरा हाउस,
फिर फोर, ठीक है, इस तरह से बिल्डिंग बना सकते हैं पक्के हाउस के ऊपर, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, सीमेंट, सैंड और स्टोन से और ब्रिक से, सो इट इज कॉल्ड पक्का हाउस। स्टूडेंट्स, आपको ये सारे रिमेंबर पॉइंट्स लर्न करने हैं एंड राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम वर्क बुक में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।